Assalamualaikum guys, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर्स, यानी कॉनकेव मिरर्स में जितने रे डायग्राम्स थे मैंने आपको बताया था उसमें से पहले मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन रूल फॉर रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन वो मैंने बताया आपको। फिर मैंने आपको बताया कि पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर ऑब्जेक्ट को रख के मैंने कॉनकेव मिरर में इमेज बनाया था आपको। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अब मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मीन्स अब ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख रहा हूँ, बिटवीन एफ एंड सी। पहले जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने फर्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट का लिया था वो बियॉन्ड सी रखा था ऑब्जेक्ट को। जब बियॉन्ड सी रखा ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज कैसा बना वो मैंने आपको बताया। फिर ऑन सी पे रखा, अब मैं कहाँ रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, बिटवीन सी एंड एफ रख रहा हूँ मैं, तो बिटवीन सी एफ एंड एफ रख रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं एक मिरर ले रहा हूँ। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। मैं कॉनकेव मिरर के बारे में भी सिर्फ बता रहा हूँ, कॉन्वेक्स के बारे में कुछ भी नहीं। एक कॉनकेव मिरर लिया मैंने। अब कॉनकेव मिरर में ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये क्या होता है पोल होता, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सीसी भी बोलते या कोई कोई सीसी बोलता, ये क्या है फोकस है ये। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूँ बिटवीन एफ एंड सी। फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या रखा था, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, बियॉन्ड सी रखा, फिर ऑन सी पे रखा, अब मैं क्या रख रहा हूँ बिटवीन एफ एंड सी रख रहा हूँ। तो इसका इमेज कैसा बनेगा इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहला रूल लगाएंगे हम, इमेज फॉर्मेशन रूल लगाएंगे। तो इमेज फॉर्मेशन रूल क्या मैंने बताया था कि मैंने लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। फर्स्ट रूल मैंने आपको ये बताया कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट, ये फोकस पॉइंट से क्या होगी पास होगी। सेकेंड रूल हम क्या लगाएंगे कि कोई भी लाइट रे अगर क्या होगी, मैंने लाइट रे ओरिजिनेट फ्रॉम द फोकस, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से ओरिजिनेट हो रही है, ये फोकस से अगर क्या होगी ओरिजिनेट हो रही, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, पैरेलल होगी। जो ऑब्जेक्ट को जो इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो इसका इमेज क्या बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। कैसा बनेगा इसका मैं नेचर बता रहा हूँ आपको। तो नेचर में सबसे पहले मैंने आपको बोला कि बताओ रियल है वर्चुअल है, तो अगर मैंने आपको बताया था रियल किसको बोलते हैं वर्चुअल किसको बोलते हैं, रियल मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बनना। तो देखेंगे आप जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था, इमेज है, तो ऑब्जेक्ट इमेज जो है ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है। तो जब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज। और मैंने आपको बोला था कि जब भी रियल इमेज आएगा उसके साथ हम आंख बंद करके क्या इन्वर्टेड लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि रियल के साथ हमेशा कॉनकेव मिरर में इन्वर्टेड वर्ड यूज ही करते हैं, हमेशा इन्वर्टेड खुद ब खुद अपने आप लिख सकते हैं हम। तो ये चीज़ है, अब ये इन्वर्टेड हुआ। थर्ड चीज़ क्या है इसका, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ द इमेज। तो पोजिशन ऑफ द इमेज क्या है, बियॉन्ड सी है, तो क्या लिखेंगे इसको, बियॉन्ड सी, यानी सी के सी से पहले बन रहा है इमेज। और फोर्थ क्या है, व्हाट अबाउट साइज, तो साइज का कैसा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और इसका इमेज कितना, इतना बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज द साइज ऑफ द इमेज इज लार्ज। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, इनलार्ज्ड बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इनलार्ज्ड बोलूंगा, इनलार्ज्ड मतलब लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। ये थर्ड था ये थर्ड रूल था। फर्स्ट मैंने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था, तो इसका इमेज कैसा बना था, बिटवीन एफ एंड सी बना था, स्मॉल बना था, रियल बना था, इन्वर्टेड बना था। फिर मैंने सी पे रखा, जब सी पे ऑब्जेक्ट को रखा तो सेम साइज का बना, इन्वर्टेड बना, और फिर कैसा बना, इन्वर्टेड बना, सेम साइज का बना, और ऑन सी पे बना। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजिशन मैं कहाँ रख रहा हूँ, एफ पे रख रहा हूँ। इससे पहले मैंने कहाँ रखा, बियॉन्ड सी रखा, उसके बाद कहाँ रखा, ऑन सी पे रखा, फिर बिटवीन एफ एंड सी पे सी रखा, बिटवीन सी एंड एफ रखा। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ, फोर्थ पोजीशन में, कहाँ ऑब्जेक्ट का पोजीशन एफ पे रख रहा हूँ। तो जब मैं एफ पे रखूंगा ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज कैसा बनेगा उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, पोल हो गया, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट जो होगा उसको क्या बोलते हैं, हम फोकस बोलते हैं, ये फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट रूल हम लगाएंगे, मैंने लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, इट पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट से पास होके जाएगी, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल मैं लगा सकता हूँ कि कोई भी लाइट रे अगर सी से पास हो रहा है तो सी अपने ही पाथ पे क्या होता है, वापस आ जाता है, या तो ये लगाऊं, या फिर एक रूल मैं क्या लगा सकता हूँ, या तो ये रूल तो मैं लगा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई लाइट रे ओरिजिनेट, व्हेन अ लाइट रे ओरिजिनेट फ्रॉम दिस फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पास थ्रू द फोकस पॉइंट। क्यों, क्योंकि सेम लाइन है, हो जाएगा इधर से गई इधर हो जाएगा, तो उसमें कहीं आपस में कट नहीं करेगी। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक थर्ड रूल जो कि मैंने अप्लाई नहीं किया अभी तक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, कि कोई भी लाइट रे अगर क्या हो रही है किसी थीटा एंगल पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है,
व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट एट द एंगल ऑफ थीटा, किसी थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, इट आल्सो मेक एंगल थीटा ओनली, ये थीटा एंगल बनाएगी भी, मान लो ये थीटा एंगल से आ रही है तो थीटा एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी, तो ये चीज़ हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब हम इसको बनाया और देखा तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, पैरेलल, पैरेलल मीन्स ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो जब इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी मीन्स मतलब हम वहाँ देख भी नहीं सकते, वहाँ पे पहुँच भी नहीं सकते, तो इसलिए नेचर ऑफ द इमेज के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, सिर्फ हम सिर्फ इतना बता सकते हैं इसका जो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते, इमेज के बारे में बता सकते, लेकिन इसका नेचर कैसा होगा इसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि कहीं एक दूसरे को एक्चुअल में कट ही नहीं कर रहे। तो ये हो गया फोर्थ वन। अब मैं फिफ्थ वन के बारे में बता रहा हूँ, जो कॉनकेव के मिरर का एकदम स्पेशल केस है। मींस स्पेशल केस क्या है, अब स्पेशल केस इसका क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ड बिटवीन पी एंड एफ, यानी बिटवीन पी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि सबसे स्पेशल केस है, ज्यादातर एग्जाम में वही पूछता है। ये फिफ्थ स्पेशल केस है इसका, कॉनकेव मिरर का स्पेशल केस, सबसे इंपॉर्टेंट ये, यही ज्यादा एग्जाम में पूछता है अक्सर बेस्तर, ये पूछता रहता अपने को कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रख रहा है, बिटवीन एफ एंड मिरर या बिटवीन पोल एंड मिरर, तो उसका नेचर कैसा होगा ये मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे स्पेशल केस है इसका। मतलब हर केस में क्या होता, कॉनकेव मिरर होता वो हमेशा रियल इमेज बनाता, लेकिन इस केस में इमेज कैसा बना रहा है ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कैसा बनाता है, अभी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इसका मिड पॉइंट क्या बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख रहा हूँ, बिटवीन एफ एंड पी रख रहा हूँ। तो फर्स्ट रूल मैं लगाऊंगा कि व्हेन अ लाइट रे ओरिजिनेट फ्रॉम, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस पॉइंट, तो ये फोकस से होके पास होगी। अब क्या है इसमें, यही देखने वाली बात है, अगर ये इंसिडेंट होगा तो फोकस से होके जाएगी, लेकिन बीच में मिरर आ गया, अगर बीच में मिरर आ गया तो लाइट रे इधर पास नहीं हो सकती, तो इसको मैं कैसा दिखाऊंगा, डॉटेड दिखाऊंगा, इस लाइट रे को मैं कैसे दिखाऊंगा, डॉटेड, यानी ये डॉटेड आएगा, मतलब अपने को दिखेगा कहीं से आ रही है लाइट रे, लेकिन यहाँ पे लाइट रे नहीं पहुंच सकती, इसलिए मैं इसको कैसे दिखा रहा हूँ, डॉटेड दिखा रहा हूँ। सेकेंड रूल मैं क्या लगा रहा हूँ कि व्हेन अ लाइट रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस इट्स ओन पाथ, अपने ही पाथ पे क्या होगी, वापस आ जाएगी। तो जब हम इसको देखेंगे तो इधर जब हम देखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ऐसे इधर क्या होगा, कन्वर्ज होता जाएगा, डाइवर्स होता जाएगा लाइट रे, इधर ऐसा डाइवर्स होता है, यानी ये कहीं एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगी। लेकिन जब इसको हम ये मिरर के अगर मिरर के बिहाइंड द मिरर अगर मैं इसको करूंगा डॉटेड, क्योंकि मिरर आ गया बीच में, तो इसको मैं अगर डॉटेड ऐसे दिखाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि कहीं एक दूसरे को क्या कर रही है, दूसरे को यहाँ पे कहीं पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहीं कट कर रहे हैं। तो ये इसी का स्पेशल केस था, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट का पोजिशन बिटवीन एफ एंड पी रखा हुआ है तो इसका जो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो जब भी मैंने आपको बोला कि बिहाइंड द मिरर आए इमेज, तो उसको हम कैसा बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, यानी ये स्पेशल केस है किसका, कॉनकेव मिरर का, यानी इन दिस कंडीशन कॉनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज। जब भी वर्चुअल होगा तो उसके साथ क्या लिखेंगे हम, इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधा, रियल के साथ हम इन्वर्टर लिखते हैं, सीधा क्यों, देखो इसका हेड ऊपर था, इसका हेड भी क्या है, ऊपर ही है, उसको इरेक्ट बोलते हैं। थर्ड क्या है इसमें, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और इसका डिफिनेशन भी वर्चुअल इमेज का, ये बिहाइंड द मिरर होता। अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में मतलब जानना चाहेंगे वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, तो वर्चुअल इमेज में जो इंसिडेंट रे होता एक्चुअल मीट नहीं करते, ये इमेजिनरी, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता इमेजिनरी होता। जैसे इसमें देखो, ये अपने को डॉटेड में दिखा रहा हूँ, यहाँ कहीं जाके मीट कर रहा है, अपने को एक्चुअल में पता नहीं है कि कहाँ पे मीट कर रहा है ये, तो यहाँ पे इसको हम दिखाएंगे कि ये मीट कर रहा है कहीं, तो ये बिहाइंड द मिरर हो गया। और फोर्थ वन क्या है, व्हाट अबाउट साइज, साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ द इमेज कैसा है इसका, इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड, इस लार्ज मतलब लार्ज इन साइज, ये लार्ज इन साइज हो गया। तो ये पांच कंडीशन थे इसके कॉनकेव मिरर के। एक बार मैं इसका समरी पूरा बता रहा हूँ आपको, आप देखो अच्छे से कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता, एक मिनट लगेगा, मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, फोकस है, ये पोल है। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन में ये लग रहा हूँ, तो मैं इसको वन लिख रहा हूँ, और जिसका इमेज बनेगा इसको डैश लिख दे रहा हूँ। तो ये वन था, तो इसका इमेज कहाँ बना था, बिटवीन एफ एंड सी बना था, वन डैश मान ले रहा हूँ। कैसा इमेज बना था, स्मॉल इन साइज बना था, स्मॉल इन साइज, ऐसा वन डैश। तो फर्स्ट अगर ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख रहा हूँ, बियॉन्ड सी रख रहा हूँ, तो ये कैसा बन रहा है, इधर इमेज बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी बन रहा है, कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। क्यों रियल, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रियल बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और बिटवीन एफ एंड सी बनेगा। सेकंड कंडीशन में मैंने कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा, ऑन सी पे रखा, तो जब ऑन सी पे रखा तो इसका इमेज कहाँ बना,
ऑन सी पे ही, मतलब जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखो तो सी पे इमेज बना इसका। कैसा बना? रियल बना। क्यों रियल? बिकॉज इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन्वर्टेड बना। और कैसा बना? ऑन सी पे बना और सेम साइज का बना। ये सेकंड है। थर्ड क्या है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में कहाँ रख रहा हूँ? बिटवीन एफ एंड सी रख रहा हूँ। जब बिटवीन एफ एंड सी रखा तो बियॉन्ड सी बना इमेज। कैसा बना? बियॉन्ड सी बना। थ्री डैश कैसा बना? ये मतलब जो वन है ये पूरा इमेज है, ऊपर नीचे इसका क्या है? इमेजेस है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो वन का यहाँ वन डैश, टू का टू डैश, थ्री का थ्री डैश, मतलब बिटवीन एफ एंड सी रखा ऑब्जेक्ट को, तो ये कहाँ बना? बियॉन्ड सी बना। कैसा बना? रियल बना। क्यों रियल? बिकॉज इन फ्रंट ऑफ द मिरर रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, इन लार्ज है, देखो लार्ज इन साइज में हो गया। फोर्थ मैंने क्या रखा यहाँ पे? जब मैंने फोर्थ ऑन एफ पे रखा था तो एफ पे रखा ऑब्जेक्ट तो कैसा बना था? ये इन्फिनिटी पे बना था, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बना ऑब्जेक्ट, जो इसका इमेज था वो कहाँ? इन्फिनिटी पे बना। अब मैं कहाँ रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को? यहाँ पे। फिफ्थ, फिफ्थ मैं कहाँ रख रहा हूँ? बिटवीन एफ एंड सी रख रहा हूँ। तो जब बिटवीन एफ एंड सी रखा तो जैसे अभी मैंने देखा ये क्या हुआ? वर्चुअल इमेज यहाँ पे कहीं बना रहा है, तो ये फिफ्थ डैश हो गया। इसका समरी था। जैसे इसको मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो गौर करेंगे आप, तो जैसे जैसे मैं इमेज को, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ? मिरर के पास लेके आ रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इमेज को, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आ रहा हूँ, देखो पहले यहाँ पे था तो इसका इमेज यहाँ बना, यहाँ पे था तो यहीं पे बना, यहाँ पे था यहाँ पे, यानी जैसे जैसे वो करीब ला रहा हूँ मैं, इमेज क्या आ रहा है? दूर भागता जा रहा है इससे। जैसे जैसे मिरर को मैं कॉनकेव मिरर में क्या कर रहा हूँ? इसको करीब ला रहा हूँ इसके मिरर के, तो ये क्या हो रहा है? इसका इमेज दूर भागते जा रहा है। और एक कंडीशन ऐसा जा रहा है, जब बिटवीन एफ एंड पी रख रहा हूँ मैं, बिटवीन पोल एंड फोकस रख रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहा है? बिहाइंड द मिरर बना रहा है। ये पूरा रे डायग्राम्स किसका था? कॉनकेव मिरर का। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, एक्चुअली में कॉन्केव मिरर के बारे में भी हमने पूरा बता दिया कि हर तरह का, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको कि कॉन्केव मिरर किस किस टाइप का इमेज बनाता, तो कॉन्केव मिरर हर तरह का इमेज बनाता, रियल बनाता, वर्चुअल बनाता, इरेक्ट बनाता, इन्वर्टेड बनाता, स्मॉल इन साइज का बनाता, लार्ज इन साइज बनाता, सेम इन साइज का बनाता, यानी हर तरह का इमेज बनाता, ये कॉन्केव मिरर है। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर, जैसा मैंने बताया आपको कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज और इरेक्ट इमेज। कैसा बनाएगा? इसके लिए मैं आपको एक रे डायग्राम्स बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो इसका रे डायग्राम्स मैं बना रहा हूँ, रे डायग्राम्स इन कॉन्वेक्स मिरर। अब रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता वो मैं आपको दिखाने बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ? एक कॉन्वेक्स मिरर ले रहा हूँ। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता? इफ यू पॉलिश इन साइड द मिरर, इन साइड द मिरर अगर हम पॉलिश कर रहे हैं तो इसका इमेज कैसा बनेगा? इन साइड द, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर, इसका एक्चुअली में जो फोकस होता है इधर आएगा। देखो अब मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना आप सबसे पहले। तो इसका सर्कल कहीं यहाँ कंप्लीट होगा, तो इसका फोकस कहाँ होगा? इधर फोकस होगा, ये पोल होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इसको क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल एक्स बोलेंगे। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को? नहीं, क्योंकि अगर हम मिरर के पीछे पहले खड़े होंगे तो कोई इमेज बनेगा उसका? नहीं, उसका इमेज नहीं, यानी हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी जाके बनेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ? यहाँ पे रख रहा हूँ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। उसमें क्या था? कॉनकेव में, देखो कॉनकेव में कैसा था? कॉनकेव में इसके ये आउटसाइड पॉलिश था, तो ऑब्जेक्ट इसके सामने रखते थे देखो हमेशा, क्योंकि ये पॉलिश नहीं था, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते तभी तो जाके इमेज बनता था। अब इसको भी मैं क्या करूंगा? मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट रखूंगा ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट मैं लगा रहा हूँ रूल, कोई भी वही रूल, रूल तो हमेशा सेम रहेगा। तो ये रूल क्या है इसका? व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। तो ये क्या होगा? लाइट रे फोकस से होके पास होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली में मिरर आ गया, पॉलिश्ड है, तो कैसा दिखाएंगे इसको हम? डॉटेड दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर से जा नहीं सकती है, लेकिन ये अपने को जब दूर से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कहीं से इधर से कहीं आ रही है लाइट रे, तो ये इधर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या हम लगाएंगे? सेकेंड रूल क्या? व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट, व्हेन अ लाइट रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ओरिजिनेट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट पासेस थ्रू द, इट रिट्रेस इट्स ओन पाथ, अपने ही पाथ पे क्या होती है? वापस आ जाती है। ये ऐसे अपने ही पाथ पे क्या होती है? वापस आ जाएगी। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट था एक्चुअली में वर्चुअल, ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या था? ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका क्या है? इमेज है। तो ये इसका इमेज हो गया। अब मैं बता रहा हूँ इसका नेचर, नेचर कैसे बताते दो आप लोग देखो इसको। फर्स्ट चीज रियल या वर्चुअल, इसका इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्या है? ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो जो ऑब्जेक्ट हुआ इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना कि बिहाइंड द मिरर बना? तो ये बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। और मैंने वर्चुअल के साथ एक वर्ड हमेशा ऐड करने को बोला, क्या? इरेक्ट। वर्चुअल के साथ ऑलवेज इरेक्ट रहेगा। थर्ड क्या? व्हाट अबाउट साइज? तो साइज का देखो, ये इतना बड़ा था, इसका इमेज कैसा हुआ? छोटा, डिमिनिश्ड हुआ, डिमिनिश्ड, इसका ये डिमिनिस्ट हो गया। फोर्थ उनका, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? तो हमेशा क्या लिखेंगे? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द
मिरर, इसका इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा। कहाँ बनेगा? ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, मान लो और दूर रख दिए तो ऑब्जेक्ट हो सकता है मे भी यहाँ इधर कहीं कट करे, लेकिन कहीं ना कहीं कट करेगा, हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो मैं आपको एक बार कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर को फास्ट बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर में हर तरह का इमेज बनता, मतलब रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, लार्ज साइज, डिमिनिश्ड। और कॉन्वेक्स मिरर में जो होता ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता, इरेक्ट बनाता, डिमिनिश्ड बनाता, बिहाइंड द मिरर बनाता। अब हम इसके पूरे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैंने आपको पूरे साइन कन्वेंशन और इसके जितने फॉर्मूलाज थे मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता दिया हूँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आप आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, पूरे वीडियोज आपको मिल जाएंगे उसमें। अब हम डायरेक्टली किस पे, ये मिरर से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में 4 मार्क्स का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता, ज़्यादा रे डायग्राम्स या फिर न्यूमेरिकल्स, दोनों ये दोनों टॉपिक से पूछता कि क्या होता क्या नहीं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में देखेंगे।